सबको राम राम। इंटरनेशनल गीता महोत्सव में आप सबका स्वागत है। हम पीएचडी स्कॉलर्स, मैं अंकिता, अंजलि, महक, हम आप सबको अपने स्टार्टअप के बारे में बताते हैं। हमारा स्टार्टअप बेसिकली मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहा है। मिलेट्स को लेके, हम प्योरली मिलेट्स को लेके अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। उसमें इंक्लूडेड है पंजीरी, बाजरा लड्डू, चॉकलेट्स एंड बार्नयार्ड मिलेट कुकीज। हमने मेजर और माइनर मिलेट को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मेजर में बेसिकली हमारे बाजरा, रागी, जवार, ये सब आता है, और माइनर मिलेट में हमारा कोदो, सामक, कंगनी, ये सब आता है। तो इन सब को लेके हमने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हम ग्रेन्स को सबसे पहले जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट एक प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्स को अंकुरित किया जाता है। उसके बाद आटा बनाकर हम अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं ताकि उनकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू रहे। कुछ चीजों को आप दिखाना चाहेंगे जो चीज आपने तैयार की है? सर बिल्कुल बिल्कुल सर। सर दिस इज मल्टी मिलेट्स पंजीरी। हम अपना ये दिखाते बॉक्स, हमने इसको रागी, जवार, बाजरा से बनाया है। एंड दिस वन बाजरा लड्डू, ये एक डायबिटिक वेरिएंट बाजरा लड्डू है। हम रिसर्च स्कॉलर हैं। डायबिटिक वेरिएंट बाजरा लड्डू एंड दिस वन इज बाजरा लड्डू नॉन डायबिटिक। सर आइडिया हमें कैसे, हम पीएचडी स्कॉलर से, मैंने आप सबको पहले ही बताया, तो हमारा पीएचडी का काम मिलेट्स पर बेस्ड था। हम मिलेट्स को यूज करके अपने पीएचडी का काम कर रहे थे। तो हमारे पास एक प्रयास का ऑफर आया। प्रयास एक इनोवेटिव कॉम्पिटिशन है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर ऑर्गेनाइज करवाता है। उसके थ्रू हमने इसमें एंट्री ली और हम प्रयास में सिलेक्ट हुए एज ए स्टार्टअप। हमें आगे फर्दर यूनिवर्सिटी से ग्रांट मिला 10 लाख का। हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया। हमारी कंपनी का नाम मिल्लोर है, MILLOR। द टैगलाइन इज फूड्स दैट हील। तो उसके बाद हम अभी कंपनी हमारी रजिस्टर हो गई है और हम स्टार्टअप में एंटर ले चुके हैं। तो हमारे प्रोडक्ट सारे मिलेट से मिलकर ही बने हुए हैं। एज ए स्टूडेंट उस प्रोग्राम में आपको हिस्सा लेने का मिला जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और एक इंटरनेशनल फेस्टिवल, कैसा फील होता है आप लोगों को? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमें प्रमोशन के चांस मिल रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है कस्टमर की तरफ से। तो एक अच्छी फीलिंग अपने आप में वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।